वालेकुम दोस्तों आज ये मेरा मैसेज है आप लोग सुने इसको वीडियो पूरा देखें ये नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को वाच बने मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आजल आज आजकल बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है कबूतरों के लेने के रिलेटेड या देने के रिलेटेड काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इस में फंस चुके हैं और काफ़ी सारे जो हैं अब आगे फंसेंगे पर मैं उन लोगों को होशियार करना चाहता हूँ कोई पाँच सात नंबर में बताना चाहता हूँ आप लोगों को और इलाका बताना चाहता हूँ और तरीक़ाकार बता रहा बताना चाहता हूँ कि किस तरह आप लोगों को वो फुरेंगे ठगेंगे कबूतरों पे <सलियों> दो तरीके से एक आप लोगों को कबूतर देने के हिसाब से ठगेंगे आप लोगों को फेसबुक पे या इस पर व्हाट्सएप के ग्रुप में फोर सेलिंग के हिसाब से आप लोगों को वीडियो भेजेंगे कबूतरों की और आप लोग देखोगे आप लोग उनको कहोगे कि हमको ये जोड़ा पसंद आ गया उनमें आप लोगों को नीले दिखाएंगे चपड़े दिखाएंगे काले पैरों से चिट्टे पैरों से तो आप लोग कहेंगे ये दे हमें तो वो आप लोगों को कबूतर की वीडियो बना के कार्टून में डालने की वीडियो और गाड़ी में रखने की वीडियो भी बना के देंगे कि उनका एक ग्रुप पे एक सेटअप है उनका तो फिर आप लोग उनको पैसे जैसे भेजेंगे आप लोगों को कबूतर नहीं मिलेंगे एक ये और ये किस इलाके में हो रहा है ये आप लोगों में बता दूँ साहेवाल और फैसलाबाद आरिफ वाले के साइड में पाकपतन ज़िला पाकपतन वो जो शनाख्ती कार्ड आप लोगों को दिखाएंगे वो विले पाकपतन के होंगे इन इलाकों के मैं सब को तो नहीं कह रहा हूँ ओड बरदरी के लोग हैं हैं ओड बरदरी के लोग सब ओडों को भी नहीं कह रहा हूँ जो वो फ़्रॉड कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को कबूतर नहीं मिलेंगे उसके अलावा ग्रुपों से आप लोगों के दूसरा ही जो तरीके से फुर रहे हैं लोगों को वो इस तरह फुर रहे हैं कि आप लोगों को व्हाट्सअप पे पर्सनल पे आप लोगों के साथ राबा शुरू कर देंगे ग्रुपों से या फेसबुक से कहीं से भी आप लोगों का या आप लोगों का चैनल बना हुआ है यूट्यूब से तो आप लोगों का नंबर उठा के आप लोगों से रब्ता करना शुरू हो जाएंगे फिर आप लोगों को कहेंगे भाई हमें कबूतर चाहिए आप लोग हर इंसान को लालच होती है तो आप लोग कहोगे ठीक है यार हम देते हैं कबूतर फिर आप लोगों को किस दिन मंगवाएँगे ये आप लोगों को हफ्ते की शाम को मंगवाएँगे कबूतर हफ्ते की शाम को मंगवाएंगे आप लोगों को कहेंगे अपना शिनाख्ती कार्ड भेजो और जो नंबर चला रहे हैं वो नंबर भेजो हम आप लोगों को पैसे भेज हैं ये आपको नंबर जिससे कॉल करेंगे वो पहला नंबर जो होगा वो सऊदी का होगा सऊदी में जो जिस नंबर से आप रब्ता करेंगे वो पहला नंबर लिखें आप लोग ज़ीरो डबल ज़ीरो छियानवे पैंसठ जीरो पाँच अट्ठाईस साठ इस नंबर से आप लोगों को सऊदी से रबता करेंगे कि भाई हमें कबूतर चाहिए हम जो है उधर इधर से कारगो होंगे फ़लानी तरीक़ो कारगो होंगे जल्दी हो रही है हमें कि आप लोग कबूतर भेज दें फिर आप लोगों को एक झूठी रसीद भेजेंगे पैसों की वो आप लोगों के पास आप लोग देखोगे कि वाकई यार इसमें पैसे आ गए जिसको दिखाओगे बैंक में दिखाओगे भी आप लोगों को जैसे अब तक वो कंप्यूटर में नहीं लगेगी बैंक के किसी मैनेजर को भी दिखाएंगे तो वो कहेगा बिल्कुल आप लोगों के पैसे आ चुके हैं मगर वो झूठी रसीद होगी और उसके बाद एक आप लोगों के पास बैंक की तरफ से एक नंबर पे कॉल करेंगे यानी कि एक पूरा इनका ग्रुप बना हुआ है बैंक की तरफ से आपको एक नंबर से कॉल आएगी उस वो नंबर ज़ीरो तीन सौ बाईस दस चालीस पाँच सौ बाईस इस नंबर पे आप लोगों को कॉल आएगी आप लोगों को बताएंगे भी आप लोगों के पाकिस्तान जो है यू बैंक में पैसे पहुँच चुके हैं और आप लोग जो है सोमवार के दिन यानी कि हफ्ते की शाम को जो आप लोगों को मंगवाएंगे इतवार के दिन तो छुट्टी होगी फिर आप लोगों को कहेंगे शुमार के दिन आप लोग कबूतर जो है ना पैसे निकलवा दें आप हफ्ते की शाम को भेजेंगे जैसे गाड़ी में कबूतर रखेंगे आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे गाड़ी वाले के साथ वो रबते में शुरू हो जाएंगे आप लोगों के कबूतर चले जाएंगे आप शुमार दो मंगल पीर बुध जो भी देखते रहो पैसे नहीं आएंगे आप लोगों के पास और उसके अलावा जो जो दुबई वाला सऊदी वाला नंबर है उस उसमें भी व्हाट्सअप बना हुआ है दूसरा इनका व्हाट्सअप बना हुआ है जीरो तीन सौ दो जीरो दो सौ पाँच चालीस इस नंबर पर आपसे राबता करेगा वो कहेगा मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ मदीने में बैठा हूँ इस तरह फिर आप लोगों को ठग जाएगा दोस्तों इस चीज़ पे गौर करें और इन दुआ देंगे आप लोग मुझे कि हम आगाह करते हैं बस हम किसी मसले से गुजरते हैं फिर जो है जाके कर आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करते हैं कि दोस्त दूसरे इस चीज़ में फँसे ना शुक्र अलहमदुल्लह पाक का फजल वा मैं हम पे और अल्लाह पाक का बड़ा ही एहसान है इस तरह का वाक़ हमारे साथ भी हुआ है मेरे से काफ़ी सारे दोस्त कंटेक्ट में होते हैं मेरा यूट्यूब पर चैनल है पाकिस्तानी कबूतरबाज के नाम से काफ़ी सारे शौकीन कहते हैं यार आपका चैनल बना हुआ है आप हमारे कबूतर बिछवा दो तो इस तरह का फिर मेरे पास जो फ़ोन आते हैं लोगों के शौकीनों के फिर मैं उनको ले कर देता हूँ अपने नहीं भेजता मैं इस तरह मेरे पास इस इसी नंबर पर रबा हुआ जीरो तीन सौ दो ज़ीरो दो सौ पूरा पाँच सौ चालीस इस नंबर पर रबा हो उसने कहा मैं हाजी हूँ सऊदी में बैठा हूँ मक्के मदीने में बैठा हूँ अल्लाह के घर में बैठा हूँ आपके कबूतर मुझे पसंद आ गए है। ये हैं वो है फिर मैंने एक बेचारा मजदूर है मज़ूर है टांगों से हमारे गांव का मैंने बोला यार उस गरीब का भला हो जाएगा मैंने उसके कबूतर जो है आ, उससे रब्ता किया मैंने बोला यार कोई दोस्त कबूतर ले रहा है सऊदी में है और कबूतर अच्छे चाहिए उसने कहा यार मैं कबूतर दूँगा माजूर हूँ टांगों से मजूर है उसने कहा कि मैं दूँगा और आप दें आगे जो आप जो मुनासिब रेट हो मुझे बताएं मैंने कहा यार मुनासिब अब अच्छा कबूतर नाम बिकता है पंजाब में अच्छा कबूतर लाख रुपए में भी जोड़ा बिकता है मगर आपका वही कबूतर में बारह तेरह हज़ार में जोड़ा अच्छा कबूतरों का बिचवा दूंगा मैंने कहा मैं आप लोगों का बिचवा दूंगा फिर उससे रबता हुआ मेरा सऊदी वाले से मैंने बोला भाई हाँ कबूतर हैं जोड़े कितने चाहिए मैंने बोला शायद दो तीन जोड़े चाहिए होंगे उसको हम ले कर देंगे उस माधूर बंदे से उसने कहा मुझे पंद्रह जोड़े चाहिए जो पचास पचास हजार वाला जोड़ा हो मैं परेशान मैंने बोला लोग कबूतर लेते हैं पैसे छुड़वाते हैं कि यार दस हज़ार बता रहे हो तो आठ हजार में चाहिए इस तरह होता है ये किस तरह है कि कबूतर हम दे रहे हैं और कहता है कि पचास हजार वाला जोड़ा हो मैंने उसको कहा समझाया मैंने बोला भाई नाम बिकता है कबूतर वही होता है आप पाँच हज़ार में ले लो पचास हज़ार में ले लो या लाख रुपए में ले लो परवाज़ तो कबूतर ने शाम तक ही करनी है ना या शाम के बाद लाइटें भी उसने खुद पैरों में लगा देनी है इस तरह से हमारी बात हुई मैंने उस गरीब से बेचारे बेचारे से कबूतर लिए कबूतर ले कर मैंने गाड़ी में रखे गाड़ी में जैसे मैंने कबूतर रखे बंदे ने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर डाला फिर मैंने मेरा बहुत कांटेक्ट है मेरा हर ज़िले हर शहर में एक एक बंदा दो दो दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मैंने मेरे पास जो उसका चेक आया एक नंबर मैंने चेक में डालने के लिए जो मैंने उसको दिया उसने नंबर लिखा और दूसरे नंबर उस मेरे नंबर में बैलेंस नहीं था मैंने दूसरे नंबर से जो उनको कॉल की तो मेरे पास जो बैंक की कॉल आई दूसरे नंबर पर आई जो दूसरा किसी बंदे से ले मैंने कॉल की इस बात पर भी मुझे शक हुआ ठीक हो गया फिर उसने मेरे नंबर पे जो है पैसे भेजे पैसे आ गए फिर बैंक की हेल्पलाइन की कॉल आ गई वो भी हो गया फिर मैंने मुझे जब शक हुआ दूसरे नंबर पे कॉल आई तो फिर मेरे दोस्त काफ़ी सारे बैर मुल्कों में फिर मैंने उनको वो रसीद दिखाई मैंने बोला यह देखो पैसे हैं या नहीं है झूठ बोल रहा है काफ़ी सारों को मैंने दिखाई उन लोगों ने कहा ठीक है पैसे आ गए बिल्कुल पूरे हैं और ये आपको निकल जाएंगे कोई मसला नहीं एक दोस्त था मेरा सऊदी में दूसरा दोस्त था एक उसको जो मैंने दिखाया उसने कहा यार इस तरह के तो ये ओट बरादरी फ्रॉड कर रही है परेशान ना हो आप तो फंस गए मैंने बोला यार किस तरह में फंस गया उसने कहा ये फ्रॉड है कोई आपको कबूतर नहीं ले रहे ये कबूतर आपके गए इधर भाई रात के ग्यारह हो गए मेरे और नंबर जिस बंदे को मैंने कबूतर भेजे उसने उस बंदे ने नंबर मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया मैं परेशान अब कहाँ जाऊँ क्या करूँ फिर मैंने फ़ोन उठाया फ़ोन घुमाया जब कबूतर उतरने थे टोबे में फिर मैंने टोबे के दोस्तों को कॉल की काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं टोबे में मैंने पंद्रह बंदे तैयार किए टोबे अड्डे पे मैंने बोला जहाँ कबूतर उतरेंगे उधर पहुँच जाओ एक बारी बंदे को पकड़ो फिर आगे देखा जाएगा उसमें कुछ दोस्त मेरे पुलिस वाले भी हैं दोस्त पुलिस में भी हैं काफ़ी सारा प्यार करते हैं फ़ौजी भी हैं तो मैंने पंद्रह बंदे उधर तैयार किए मगर उधर वो बंदा नहीं आया तो फिर मैंने एक गाड़ी वाले को रब्ता किया मैंने बोला कबूतर मेरे उसको नहीं देने आपने थे हो सकता है मेरे बंदे और दूसरे स्टाफ पे खड़े हों और वो सही स्टाफ पे खड़े हों तो वो कबूतर ले जाएं इस तरह भी हो सकता है फिर मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन किया मैंने बोला कबूतर नहीं देने ऐसा तो ना हो कि पराए कबूतर मैंने ले के दिए फिर मेरे गले गले में ना पड़ जाएँ तो गाड़ी वाले ने कहा ठीक है भाई मैं जो है जिसने मेरे पास भेजें कबूतर उससे रब्ता करो फिर मेरा दोस्त है शादी में विकी भाई मैंने उसको कहा भाई आप कबूतर जो है मेरे उन गाड़ी वालों को कहो कबूतर उनको ना दे फिर विक्की ने उधर कॉल की उसने कहा भाई कबूतर जो है किसी को नहीं देने गाड़ी में ले जाओ फैसलाबाद उधर ननकाना वाली साइड नजरी गुजर के अड्डे से मैंने भेजे थे और फिर वापस ही ले आओ कबूतर तो फैसलाबाद से आगे ननकाना गए कबूतर दूसरे दिन कबूतर अलहमदिल्ला वापस आ गए मैंने उस बेचारे को कबूतर अपने घर पहुँचा दिया जिसके मैंने लिए थे बड़ी एक मुश्किल से मैं बचा हूँ दोस्तों आप भी बचो और का ये मेरा वीडियो दोस्तों तक शेयर करो जिस तरह के आप लोग बच पाओ इन फ्राडों से ये बहुत बड़ा फ़्राड हो रहा है इन लोगों से बचें तो दोस्तों दुआओं में याद रखें वालेकुम